आज 18 जून को पूरा देश आईएमए प्रोटेस्ट दिवस मना रहा है, राष्ट्रीय प्रोटेस्ट दिवस मना रहा है। इसके पीछे हम लोगों की मूल मंशा ये है कि हम लोगों पर जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, अगर मरीज जो है ठीक होता है तो हम लोग देवता हैं, लेकिन मरीज को अगर मर जाता है मरीज अपनी बीमारी के कारण से, तो सारा दोष जो है हम डॉक्टरों पर मार दिया जाता है। और जिस तरह से हमारे डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से हम लोगों को हिंसा हो रही है, उसके विरोध में हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार से कि हमें सेंट्रल एक्ट लागू करे और ऐसा करने वालों पर कम से कम 10 साल की सजा दे, डिटरेंट दे, ताकि वह दोबारा इस तरह से जो है डॉक्टरों पर हाथ उठाने की कोशिश न करे। डॉक्टर जो है इस जिस तरह से अपनी सेवा जो है कोरोना में दे रहे हैं, जिस तरह से जो है 1000 से अधिक डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई इस कोरोना में, जिस समय अपने लोग अपने सगा संबंधी जो है मरीज को छूने से कतराते हैं, उस समय हमारे चिकित्सक हमारे डॉक्टर जान पल खेल करके लोगों की जान बचाते हैं, फिर भी उन लोगों को जो है इस तरह से तिरस्कृत करने वाले वचन हमारे रामदेव बाबा जी ने दिया, यह घोर भर्त्सना की बात है। जिस तरह से वो कहते हैं कि आई में तो कुछ लोगों का जो है एक ग्रुप है, आई में 4 लाख डॉक्टरों का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है जिसका जो है नेशनल प्रोटेस्ट दिवस मना रहे हैं। वह तो कोरोना के वैक्सीन के विरुद्ध में भी बोलते हैं, इसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। वैक्सीन एक उपाय है, सेफ्टी नॉर्म्स हम लोग जरूर अपनाएं, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग करें, वैक्सीन एकमात्र अभी उपाय है जिसके द्वारा हम कोरोना के प्रहार को, इस एपिडेमिक को रोक सकते हैं। इसलिए आई में यह आह्वान करती है कि हम लोग जो है निश्चित रूप से कोरोना का वैक्सीन लें, दूसरा बाबा रामदेव की भर्त्सना करें कि जो आईएमए के विरुद्ध कहते हैं कि आईएमए जो है इस तरह से जो छोटे ग्रुप है, 4 लाख डॉक्टर हैं, पूरा 4 लाख डॉक्टर आज नेशनल प्रोटेस्ट दिवस मना रहा है। हमारे साथ में हमारे सीनियर यहाँ के आईएमए भागलपुर के सीनियर मोस्ट जो है आईएमए के सदस्य हमारे गुरुदेव हैं, गार्जियन हैं डॉक्टर एस एन झा, उनकी भी बात। पूरे देश में चिकित्सकों के द्वारा एक विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य मांग ये है कि चिकित्सकों के विरोध के साथ जो हिंसात्मक कार्रवाई समाज के कुछ उपद्रवियों के द्वारा की जा रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार एवं समाज को साथ में चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर नहीं सुधरे तो हम लोग और कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हों। ये सरकार का दायित्व तो है। जब कोरोना महामारी अपने पीक पर थी, उस समय हम लोग सब झेलते हुए हमारे बिहार के लगभग 100 से ज़्यादा चिकित्सक और पूरे देश के 750 से 800 चिकित्सक ने जान अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बावजूद मानवता के हित में, पीड़ित मानवता की सेवा में हम लोग लगे रहे। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ये आंदोलन अंत में क्यों, ये आंदोलन अंत में करना यही दर्शाता है कि हम लोग मानवता के प्रति सचेत हैं। अगर उस समय करते तो बहुत ज़्यादा त्राहिमाम हो जाता। तो ये सांकेतिक हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारा मुख्य मुद्दा हम लोग का है कि चिकित्सकों पर हो रहे हिंसा के विरोध में सरकार और समाज जल्द से जल्द आगे। जांच करी बच्चा। आज 18 जून 2021 डॉक्टर प्रोटेस्ट डे है और हम लोग अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे मेन मुद्दा है कि हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत तरह से धमकाया जाता है और मारपीट भी की जाती है। हम समाज से ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने अनवरत 24 घंटे दिन रात सेवा करते हैं और हम लोगों के ऊपर इतनी अत्याचार क्यों? इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम लोग इतनी सेवा करते हैं, अपना सारा जान दाव पे लगाते हैं आपकी सेवा में और आप हम लोग को ही इस तरह से मारते हैं और कभी गलत बातें कहते हैं। ये जो बताइए क्या मांग है? श्री रामदेव जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने विश्व में योग अभ्यास, योग विद्या का प्रचार प्रसार किया, इसका श्रेय मैं उनको देता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो कि 8वां पास हैं और वो क्लेम करते हैं कि हम आयुर्वेद का भी ज्ञान रखते हैं और एलोपैथिक का भी ज्ञान रखते हैं, ये असंभव है। और उनका ख्याल है कि ये फॉल्स विज्ञान है और इसमें कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब लोग
अपनी चिकित्सा करके खुद ही नहीं बच पाते हैं तो और दूसरों की क्या चिकित्सा करेंगे। इसको वो एलोपैथिक करते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन है। एलोपैथिक उसको हिंदुस्तान में करते हैं लेकिन वो एलोपैथिक नहीं है, वो मॉडर्न मेडिसिन संसार में जाना जाता है। मैं भागलपुर आईएमए का सदस्य हूँ। आज जो विरोध दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में, करीब करीब 4 लाख सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उनके द्वारा, उसका कारण है कि आज ये स्थिति बनी है कि मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम लोग जानते हैं, जो जिसकी पढ़ाई हम लोगों ने की है, चाहे वो MBBS हो या उसके बाद जो स्पेशलिटी की पढ़ाई होती है, जो मास्टर्स की डिग्री होती है, सुपर स्पेशलिटी की डिग्री होती है, पूरे विश्व में इसकी मान्यता है और इसी पद्धति से सर्वाधिक लोगों का इलाज होता है। तो उसका अगर कोई विरोध करता है तो वो उचित नहीं है। दूसरा जो विरोध है हम लोगों का वो है कि जो डॉक्टर्स हैं जो इस पद्धति से इलाज करते हैं उनको बदनाम करने का, उनका समाज में ऐसी छवि बनाने का जिससे कि लोगों का अहित हो रहा है ना। कुछ तो असामाजिक तत्व हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन आम जनता को इससे तकलीफ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राजीव लाल, सीनियर सर्जन भागलपुर। आज सारी OPD सेवाएं बाहर। क्या कारण है सर? देखिए, मैं मानता हूँ कि समाज एक शरीर की तरह है, हर अलग अलग प्रोफेशन के लोग इसके अलग अलग अवयव हैं और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह सभी अंगों का स्वस्थ और सुचारू होना जरूरी है, उसी तरह समाज को भी स्वस्थ और सर्वांगीण होने के लिए जो है सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी है। अगर समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को जो है हिंसा से, प्रतिशोध से क्षतिग्रस्त करता रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपने अपने काम को अपने अपने तरीके से सच्चे हृदय से कर्तव्य का निर्वाह करें तभी इसका आगे जाना। चिकित्सा उसी तरह एक बहुत जरूरी अंग है समाज का। सुमन कुमार जी, वरीय सदस्य IMA भागलपुर। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये समाज को एक आईना दिखाने के लिए है। हम समाज के अंग हैं, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, समाज भी हम के अंदर ही हम लोग भी हैं, लेकिन समाज का जो हमारे प्रति, डॉक्टरों के प्रति, जो कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो आए दिन जो दुर्घटनाएँ होती हैं उनका जो व्यवहार है वो हमें आहत करता है। हम अपनी ओर से इतने सक्षम होने के बाद, इतनी सेवा भावना रखने के बाद, कठिन परिस्थितियों में भी अपने